पंजाब विधानसभा चोणों के नतीजे बेशक 11 मार्च को आने ने पर आम आदमी पार्टी ने कामकाज अज तो ही शुरू कर दिता जाप रहा है। संजय सिंह ते अच्छा स्फूलका वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आख्या गया कि उन्हें पंजाब च नशे तो पीड़ित नौजवानों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है ता जो सरकार बनते ही उन्होंने मदद दी जा सके। आप वालों किसानों की फसल चुकने कैश क्रैडिट लिमिट पास करवाने राज्यपाल ते केंद्र सरकार तक पहुँच बनाने की गल भी आखी गई। पंजाब विधानसभा चोणों के नतीजे बेशक 11 मार्च को आने ने पर आम आदमी पार्टी ने कामकाज अज ही शुरू कर दिता जापया। जदों आम आदमी पार्टी के आगुआ वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि पंजाब च आम आदमी पार्टी के वर्कर अज तो ही अंकड़े पता कर लग गए ने कि पंजाब च किन्ने नौजवान ते किस तरह का नशा करते हैं, जो नशा छड़ाऊ केंद्र ने उन्होंने दवाई कितों ते किवें आ रही है ते किहड़े नशा छड़ाऊ केंद्र च स्टाफ की कमी है। पार्टी आगू एच एस फूलका ने कहा कि डाटा इकट्ठा करने का एको मतलब है कि सरकार बनद्या ही काम शुरू कर दिता जाए। सारे वलंटियर नूं कहा कि अपने अपने पिंड विच ते अपने अपने मोहल्ले दे विच एक लिस्ट बनाओ कि जिहड़े जिहड़े युवा नशे दे विच पए आ और किस तरह का नशा कर रहे आ, भई वह इनफॉर्मेशन सारी इकट्ठी करो अपने अपने इलाके की और एक हफ्ते दे विच विच ये इनफॉर्मेशन सारी इकट्ठी करके नाल दी नाल कैंडीडेट्स नूं कहा कि जिहड़े उन्हां दे इलाके विच डी एडिक्शन सेंटर ने वह सारे नशा छिड़ाऊ केंद्रां दा दौरा करो, दौरा करके उहदे विच इनफॉर्मेशन लाओ कि उत्थे की फैसिलिटी अवेलेबल ने, किन्ने डॉक्टर ने, किन्ना स्टाफ आ ते की उसे होर चाहिए, दवाइया कितों आदियाँ, तो ये सारी जो इनफॉर्मेशन आके ये प्लैनिंग कर की जाऊगी ताकि हर एक कोशिश ये होगी कि हर एक नशे करने वाला नशा छिड़ाऊ केंद्र च पहुँचे। जो साड़ी सरकार 11 मार्च तो बाद बनेगी तो पूरे जोर शोर के उत्ते काम हो जाएगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होएगा और एक सरकार बनते सार ही इस उपर काम शुरू होएगा कि जिन्हें नशे करने वाले आ सारियां नू नशा छिड़ाऊ केंद्रां विच पहुंचाया जाए, जो जो उन्हां नू फैसिलिटी चाहिए उह दित्तियां जाण, नाल दी नाल उन्हां नू साडे वलंटियर सपोर्ट करनगे जिवें उन्हां दे करदे आ उन्हां दे नाल उसे तरह वह वलंटियर साडे उन्हां नू अपने घर वाले समझ के उन्हां नू जा के उन्हां दी हैल्प करके नशा छिड़ाऊ केंद्रां दे विच उन्हां नू पहुंचा के ते नशे उन्हां दे छिड़ाणगे। उत्थे आम आदमी पार्टी दे पंजाब इकाई दे इंचार्ज संजय सिंह ने कहा कि सरकार बणदिया ही नशे दा नैटवर्क तोड़िया जाएगा ते पंजाब दे नौजवानों नू सुचज्जे ते सीधे रस्ते पाया जाएगा। पंजाब में नशे का धंधा करने वाले जेल में हों, पंजाब को बर्बाद करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, ये हमारी पहली प्राथमिकता है और इसीलिए 11 मार्च को प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पंजाब में अभियान चला के एक हफ्ते तक हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में जाएंगे और जो लोग नशे का शिकार हैं उनसे डिटेल्स नोट करेंगे और ये पूरी तरह से हम लोग गोपनीय रखेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम नशे की सप्लाई बंद करने का अभियान 24 घंटे के अंदर से शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से जो लोग विक्टिम हैं, जो इसका शिकार हो चुके हैं नशे का, उनको तत्काल नशा मुक्ति केंद्र में ले जाने की ज़रूरत होगी, उनको तत्काल चिकित्सा की ज़रूरत होगी, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी और इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर डेटा तैयार रहेगा और हम उन सारे लोगों की मदद करेंगे नशा छुड़ाने के लिए। संजय सिंह ने एक बार मुड़ दोहराया कि नशे दे नेटवर्क बारे जांच सरकार बन तो पहला ही कर ली जाएगी ता जो सरकार बनद्या ही तय की डेट ते कैबिनेट वजीर बिक्रम सिंह मजीठिया नू जेल भेजा जा सके। जो बिक्रम मजीठिया के लिए हम लोगों ने तारीख तय की है 15 अप्रैल से पहले उसको जेल में डालेंगे। पंजाब विधानसभा चोणां दे नतीजे 11 मार्च नू आउणे ने ते नवीं सरकार मूहरे सब तो वड्डी चुनौती किसानां दी फसल चुकनी होवेगी क्योंकि अप्रैल दे महीने कणक दी फसल मंडियां च आ जाएगी ते हमेशा कैश क्रैडिट लिमिट का मुद्दा विवादां च रहिंदा है। संजय सिंह ने आख्या कि मानयोग राज्यपाल ते केंद्र सरकार अगे अज ही अपील की जाएगी कि पंजाब दी कैश क्रैडिट लिमिट अज ही निर्धारित करके पास करन दी योजना तैयार की जाए ता जो किसानां दी फसल हमेशा दी तरह मंडियां च ना रुले। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि एक महीने बाद अप्रैल के महीने में
किसानों के गेहूं की खरीद का अभियान शुरू होगा। अब उनको अगर सही समय पर पेमेंट नहीं मिलेगा तो उनकी गाढ़ी मेहनत और उनकी जो उनका जो खून पसीना बहा के जो अनाज तैयार करते हैं फसल मंडी में लेके आते हैं वो उनकी मेहनत बर्बाद होगी, बेकार होगी, जैसे पहले खराब होती रही है। खुले आसमान के नीचे उनका अनाज सड़ता रहा है। ऐसी परिस्थितियाँ ना पैदा हों इसके लिए हम लोग कल एक प्रॉपर प्लान बना के उसके बाद महामहिम राज्यपाल से और केंद्र सरकार के ऊपर इसके बारे में दबाव बनाएंगे कि जल्द से जल्द इस बारे में फैसला लें, बैंकों की लिमिट तय करना हो या जो भी अब तक की प्रॉब्लम रही उसको दूर करें। आम आदमी पार्टी ने बेशक आज तो ही सरकार का कामकाज शुरू करने का दावा कर दिता है, पर पंजाब दे विच सरकार किस दी बननी है इसका फैसला तो 11 मार्च के नतीजे ने तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्लोबल पंजाब टीवी।